बोट वाला बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बोट में बहुत बहुत टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं इसमें ना। बोट है ये, बोट वाटर में है और ये इसका बैंक है। अब यहां पर दो आदमी हैं, एक आदमी मिस्टर एक्स और ये यहां पे मिस्टर वाई। तो ये मिस्टर एक्स हैं और ये मिस्टर वाई हैं। मिस्टर एक्स का मास मैं 2m मान लेता हूँ और मिस्टर वाई का मास मैं 3m मान लेता हूँ, और ये कुल मिला के तो, और ये जो प्लैंक है उसका मास मैं 10m मान, ये जो बोट है उसका मास मैं 10m मान लेता हूँ, देयर थ्री मास। अब ये जो मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, दे वांट टू डिस्कस सम फिजिक्स प्रॉब्लम। तो वो कुछ फिजिक्स का डिस्कशन करना चाहते हैं जिससे ये 2L by 3, ये जो है वो L है, ठीक है, ये L है, तो ये 2L by 3 मूव करते हैं, ठीक है, ये 2L by 3 मूव करते हैं, मतलब फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसे मैं दिखाता हूँ। 2L by 3 यहाँ आ गए, ठीक है, तो ये मिस्टर Y यहाँ आ गए और इनका डिस्प्लेसमेंट 2L by 3 आ गया और ये यहाँ पे आ जाएंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू डिस्कस सम फिजिक्स प्रॉब्लम। तो ये L बाई 3 चले, ठीक है, L बाई 3 चले और ये 2L बाई 3, ठीक है। अब जो बोट है वो बैंक से कितनी दूर डिस्प्लेस हुई होगी ये हम लोगों को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट x में x है, एक बोट है और ये, तो इस x की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो जो पहला वाला प्रॉब्लम हम लोग किए थे बिल्कुल वैसे ही है, फिर भी हम इसको करेंगे। तो चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन करो। पहला वाला आदमी इधर आया, ये पहला 2m इधर आया, तो 2m इधर आ गया और मिस्टर x कितना चले, प्लस l बाई 3, ठीक है, और ये मिस्टर y जो है 2l बाई 3 चले, तो माइनस 2l बाई 3, और इनका जो मास भी है वो 3m ही है, ठीक है, और बोट कहीं नहीं मूव किया, बोट को मैं रफ सरफेस पे रख दिया, बोट को मैं रफ सरफेस रख दिया, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट, अब इन सभी का मास जोड़ दो, 3 × 2 = 5 और ये 15m, ठीक ना, ये 15m इन सभी का मास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि mm कैंसिल हो गया और ये 2l बाई 3 इधर बचा, ठीक है, और माइनस माइनस 2l इधर बचा और डिवाइडेड बाई, और ये 4l अपान 3 और मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा 4l, 4l अपान 4l माइनस आएगा ना, तो माइनस 4l 45, तो माइनस 4l 45, मतलब माइनस का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ होगा। तो ये जो बोट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेस हुई होगी बोट, और उस बोट का डिस्प्लेसमेंट जो है, बोट का डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, बोट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस 4l बाई 45, प्लस 4l बाई 45, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है।